आज का वीडियो कि आप कीजिए इस करवा चौथ पर पूरे 16 श्रृंगार। और अगर आपके पास इन श्रृंगार के सामान में से कोई श्रृंगार का सामान नहीं है तो उसके लिए हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं, जो चीजें आपके घर पर ही हैं उनसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशी। स्वागत है आपका रोशीज कॉर्नर पे, जहां हम बात करते हैं फैशन और स्टाइलिंग की, स्टिचिंग की और डीआईवाईज की, क्योंकि यह है एक मॉम्स चैनल। सो फ्रेंड्स, जुगाड़ करते करते वीडियो काफी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये है सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको और श्रृंगार के सामान के जुगाड़ के बारे में बताऊंगी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, नथ के लिए क्या कर सकती हैं, अगर आपके पास हुप्स हैं, देखिए इस तरह के जो हुप्स होते हैं, छोटा साइज, बड़ा साइज या जो भी है, आप वो भी यूज कर सकती हैं। इस देखिए नथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो आपके हुप्स होते हैं, ये देखिए, आप उसे भी यूज कर सकती हैं। छोटे साइज में छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, डिपेंड्स है आप कौन सा साइज पहनना चाहती हैं, या आपके पास जो भी साइज अवेलेबल है आप उसे यूज कर सकती हैं। तो आप इस तरह के, अगर आपके पास मोती हैं तो आप उन्हें यूज कर सकती हैं। ये देखिए, आप चाहे तो एक सिंगल यूज कर सकती हैं। और इसके लिए चेन के लिए आप क्या कर सकती हैं, देखिए मैंने अभी आपको चेन दिखाई थी ना, तो आप वो चेन यूज कर सकते हैं कोई भी। देखिए, जैसे मैंने ये आपको चेन बताई, तो आप ये चेन यूज कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, जो ये लॉक वाला पार्ट होता है, आप उस साइड से इसे डाल सकती हैं। अगर आप इसके बीच में इस तरह से मोती डालेंगी और एक और मोती डाल देंगी तो जो लॉक है वो आपका छिप जाएगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसे अपने नोज में लगाना है। अगर आपके पास हुप्स नहीं हो तो जो बाली होती हैं, रिंग्स होती हैं कानों में डालने वाली, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो आप वो यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, आप चेन जो है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, उसे यहाँ पे पिन लगा लीजिए, आप अपने देख लीजिए साइज के हिसाब से जिस तरह से आपको लूज चाहिए। और जो ये बाकी की चेन है, आप इसे अपने हेयर स्टाइल में इस तरह से कवर कर सकती हैं। कैसी लगी मेरी नोज पे, मेरी नथ? तो आप इस तरह से थोड़े थोड़े जुगाड़ करके कुछ भी बना सकती हैं। और देखिए, ये हुप्स जो होते हैं काफी लाइट वेटेड होते हैं, तो इतना हैवी भी नहीं है कि आपकी नोज पे काफी भार पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप इसकी जगह अगर आपके पास कोई झुमकी है आपके इयररिंग के साथ की, तो वो निकाल के आप वो यूज कर सकते हैं। बहुत ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी यूज कर सकती हैं इसमें। देखिए, इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, देखिए जो इस तरह की चेन्स होती हैं, ये देखिए जो आप इयररिंग पे लगती हैं ना, इस तरह से सहारे बोलते हैं जिसको, हम लोग तो सहारे बोलते हैं इयररिंग्स में, इस तरह से जो डलती हैं, अगर आपके पास वो है, जैसे मेरे पास ये हो गई, या अगर आपके पास इस तरह स्टोन की हो तो आप वो यूज कर सकती हैं। देखिए इस तरह की अगर आपके पास है तो आप इन्हें भी यूज कर सकती हैं। वो आप कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपने इस तरह से ये लिया और इसे इस तरह से आपने डाल दिया, और ये आपका बंद, तो जैसे ये आया तो आप इसे इस तरह से अपने इयररिंग में डाल सकती हैं। ये देखिए, पहुंच जाएगी आपके यहाँ तक। आप इसे भी यूज कर सकती हैं, आप चाहे तो यहाँ पे आप अपनी पिन लगा के उसे यहाँ पे टक कर सकती हैं। आप देख लीजिए, आप चाहे तो अपने ये सहारे भी चेन की जगह यूज कर सकती हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, देखिए नथ के बाद अब हम बात करते हैं इयररिंग्स की। इयररिंग्स के लिए आपके पास देखिए कुछ ना कुछ होता ही है और निकल ही आते हैं, गोल्ड या सिल्वर कोई भी ज्वेलरी हैवी हो तो इयररिंग्स चल ही जाते हैं। इसके अलावा उसके बाद हम बात करें गजरे की, तो गजरे के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए ये मेरी बेटी का एक गजरा था, ये आर्टिफिशियल से इस टाइप में मिलते हैं, आप चाहे तो ये यूज़ कर सकती हैं। बट अगर आपके पास ये भी नहीं है तो इसके लिए आप ऑप्शंस क्या कर सकती हैं, अगर आपके घर में जैसे फ्लावर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते ही हैं, उसमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं उनको आप क्या कर सकती हैं, एक थ्रेड में पिरो सकती हैं या आप अपनी कोई लेस लेकर, देखिए मैं बात कर रही थी आपके पास घर में जो अगर आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं तो आप कोई भी एक सेटन का रिबन ले सकती हैं या आप कोई भी लेस ले सकती हैं जो पतली हो, मतलब पतली भी नहीं इतनी हो और आपकी वेस्ट हो, चाहे आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। उसके ऊपर अगर आपके पास जो घर में फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर पॉट में आप रखते हैं आर्टिफिशियल छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं, मल्टी कलर्ड में ले सकती हैं, वाइट ले सकती हैं, जो भी आपके पास हो आप उन्हें पेस्टिंग कर दी, फेविकोल से चिपका सकती हैं, ग्लू से चिपका सकती हैं, ग्लू गन से चिपका सकती हैं, डिपेंड्स है आपके पास पेस्टिंग के लिए जो भी है आप उससे उसको चिपका दीजिए और उसके बाद उस पर ग्लू गन लगा दीजिए, सॉरी उसके बाद आप उस पर वेलक्रो लगा दीजिए या आप एक हुक लगा दीजिए, टिच बटन लगा सकते हैं या उसे एक थ्रेड लगा के थ्रेड से बांध सकती हैं, तो वो जुड़ा बनाने के बाद वो जो आपने लेस रेडी की है फ्लावर्स की वो आप लगा सकती हैं उसकी जगह। तो बात हो गई अब गजरे की भी, उसके बाद हम बात करते हैं नेक पीस की। अगर आपके पास मैचिंग नेक पीस नहीं है आप मंगलसूत्र पहन सकती हैं, आप कुछ भी ज्वेलरी जो आपकी साड़ी के साथ मैचिंग हो पहन सकती हैं। बट अगर आपके पास हैवी ज्वेलरी नहीं है, आप लॉन्ग कोई जिसे रानी हार बोलते हैं या नेक पीस, तो आजकल फैब्रिक ज्वेलरी काफ़ी इन ट्रेंड है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, आप मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत सुंदर मैंने एक आंचल जी से इंस्पायर्ड बनाया था नेक पीस, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप इजीली उसे बना सकती हैं अपनी साड़ी के मैचिंग का। मैंने वो रेड कलर में बनाया था, आपकी साड़ी अगर पिंक कलर की है, ग्रीन कलर की है, येलो, तो आप उन कलर से, और इसके अलावा अगर इसके अलावा आप और भी डिज़ाइंस देखना चाहती हैं फैब्रिक ज्वेलरी के, तो आप मुझे पिंटरेस्ट पे या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डिज़ाइंस के लिए फॉलो कर सकती हैं, मैंने वहाँ पे भी काफ़ी डिज़ाइंस फैब्रिक ज्वेलरी के छोड़े हुए हैं, तो लिंक दोनों का पिंटरेस्ट का और इंस्टाग्राम का मैं नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं चूड़ी की, अंगूठी की। अंगूठी अगर आपके पास, अंगूठी तो लेडीज़ के पास होती ही हैं, बट अगर नहीं है आप कोई हैवी बड़ी सी ज्वेलरी डिफरेंट सी अगर चाहती हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आपके पास अगर कोई बड़ा सा नेक पी कोई ज्वेलरी का पीस है, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास यही है मुझे इसे यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, देखिए मेरे पास एक पुरानी रिंग है, देखिए इस तरह की आपकी अगर कोई पुरानी रिंग है जो ख़राब हो गई है, आप यूज़ नहीं करती हैं, तो इसके बाद आप क्या कर सकती हैं, इस पर आप कोई भी फेविक्रिल की फेविग्लू लगा सकती हैं या आप ग्लू गन से कर सकती हैं, इसको पे आप अपना फेविग्लू लगाइए और उसके बाद आप इसे इस तरह से पेस्ट कर दीजिए, थोड़ी देर आपको रखना पड़ेगा बट ये फिर सूख जाएगा तो आपकी रिंग इजी से रेडी हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, आप फैब्रिक ज्वेलरी जैसे मैंने आपको मांग टीका बताया है कि आप एक कार्डबोर्ड लेकर उस पर फैब्रिक चिपकाइए जो कलर का आपको चाहिए, फैब्रिक चिपकाने के बाद उस पर आप अपनी आउटलाइन से कुछ स्टोन्स लगा दीजिए, उसके बीच भी बार आप बीच में अपनी जैसे सपोज कीजिए मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको अपनी रिंग उस सर्कल के बीच में लगा सकती हूँ, तो आप इस तरह के फ्लावर्स लगा सकती हैं, कुछ भी आप लगा के रिंग्स भी रेडी कर सकती हैं। बात करें अब चूड़ियों की या कंगन की, कंगन के लिए आप क्या कर सकती हैं, देखिए जैसे मेरे ये पुराने कंगन हैं आप देख सकते हैं ख़राब है ये और काफ़ी है, बट मैं ये चीज़ें रखती हूँ, कभी ना कभी कोई DIY में यूज़ हो जाते हैं, आप अपना कोई ऑर्गेनाइज़र बना रही हैं आप उसमें यूज़ कर सकती हैं, तो इसके बाद आप इस पर क्या कर सकती हैं, आप इस पर सेटिन का रिबन लगा सकती हैं या जो भी आपका कलर यूज़ कर रही हैं आप अपने ड्रेस का, उसके साथ का कोई भी फैब्रिक लेकर इस पे
चारों तरफ से इसे लपेट दीजिए, उसके बाद आप इस पे स्टोन्स लगा दीजिए, आप इस पे मोती लगा सकती हैं, कुछ भी लगा के आप इसकी एक बढ़िया सी अपना कंगन भी रेडी कर सकती हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, तब तक इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।